दोस्तों खेल में आगे बढ़ने से पहले आपको अस्त्रों के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये सांगू कैसा लग रहा है आपको घास काट के? अच्छा लग रहा है। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी है लेकिन उसके बीच में क्लेश हो गया है। पहले देखे मतलब ज्यादा बनानी ना यहाँ पे टीमें बनने वाली है दो। इसको पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा। ये तैयार होगी हमारी बेट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग ना बहुत ही ज्यादा रॉ रहने वाला है क्योंकि हमारे यहाँ पे घास कटाई का काम शुरू हो गया। तो गांव में घास वगैरह कैसे काटते हैं, बेठे वगैरह कैसे रखते हैं, वो आपको जरूर बताऊंगा। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मेरी सुबह ना तकरीबन 8:30 के करीब हो रही है लेकिन सुबह सुबह मम्मी पापा ने इन बेठों को सूखने के लिए डाल दिया है जो कि यहाँ पे रखी हुई थी इस तरपाल के नीचे ढक के, क्योंकि रात को ना मौसम थोड़ा सा खराब हो गया था बादलों वाला, लेकिन अभी थोड़ा सा साफ है तो बस सूखने के लिए डाल दिया। यही नहीं अभी लेंटर पे भी डाला हुआ है। और हमें सुबह सुबह ऑर्डर मिला था जो अंदर कमरे के अंदर घास रखा हुआ उसको जो सूखने के लिए डालना है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया है। वो डाला है हमारी बहन ने। टाना नाना ना। तो अब सिर्फ हमको जो घास लाने के लिए जाना है जिसको मम्मी पापा और दादी काटने के लिए ऑलरेडी चले गए हैं सुबह सुबह। आज का ना मौसम देख लो, थोड़े थोड़े बादल हो रखे हैं इसलिए हम ना सुबह सुबह इसको सूखने डालने के लिए ना डर रहे थे थोड़ा थोड़ा, बट अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है तो देखते हैं आगे क्या रहता है, वरना ये सारा उठा के यार अंदर रखना पड़ जाएगा। ये गाइस सोल और इसका बना रहे हैं हम बिन ना, क्योंकि घास लाने के साथ साथ यहाँ नीचे जाएंगे कहीं घास लाने के साथ साथ हमको गोबर की डाल भी फेंकनी है। आप में से कितने लोग गोबर फेंकते हैं गाइस? मोस्ट ऑफ द लोग तो फेंकते ही होंगे। फिलहाल ये रहे दादी हमारे घास काटते हुए, रहे मम्मी और पापा। एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैं काटने पे बिलीव नहीं रखता, ढोने पे बिलीव रखता हूँ। हम तीनों भाई बहनों को ढोने पे रखा होता है और ये बाकी बुजुर्ग लोग काटने पे रहते हैं। कैसा लग रहा है आपको घास काट के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, थक लग रही है? नहीं। क्यों? हमारा काम ही ये है। भाई दो दो फेरे लगाने बराबर बराबर, तू ही बोल दी ना लड़का लड़की एक बराबर, अब दो फेरे लगाने मतलब लड़की लड़की होती है। लड़की लड़की कैसे होती है? लड़की लड़के की तरह होती है। हाँ सुने देखो गाइस, बोझा ढोते थक तो लगती है पर ये ना पीक चढ़ाई पे ढोना पड़ जाए तो ज्यादा थक लगती है। फिलहाल थोड़ा थोड़ा मौसम ठीक भी लग रहा है इसलिए हम इसको सूखने भी डाल रहे हैं। फिलहाल ये वाला लैंटर चाचू जी का है तो उस पर डाल रहे हैं, अपने भी हमने पूरा डाल दिया है और अभी तक ना ये लगे नहीं है कोई भी, सिर्फ हमने शुरू किया है अभी तक गाँव में। भाई साहब 12 बजे तक हमने लगभग दो चक्कर लगा लिए हैं। दो चक्कर के बाद दोस्तों ऐसी हालत है, पसीने से लथपथ। कुछ ही देर बाद ना आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी है लेकिन उसके बीच में क्लेश हो गया है। ये देख लो इस सिग्नल को पता नहीं क्या हो जाता है, इसके समझ ही नहीं आता, जितनी बार बनाओ उतना कम, हर बार बिगड़ जाता है। थोड़ी बहुत हवा भी चलती है तो भी बिगड़ जाता है। अब पापा लगे हुए हैं इस कड़ी धूप में बनाने, देखते हैं बनता है या नहीं। इतनी धूप में बहुत पटक लिए, अब फोन पे देखना पड़ेगा। पर टीवी में देखने की वाइब नहीं आ रही, का अलग ही होती है, वो फील नहीं आएगा फोन में देखने में। गाइस थके हारे हम तो सारे सो गए थे बेचारे। अभी फिलहाल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है और यहाँ मैं फोन में देख रहा हूँ। क्या मस्त शुरुआत करी है। ये देख रहे हो पीछे बैकग्राउंड से कौन आ रहा है? खाना हमने इधर ही मंगा लिया गाइस, क्योंकि ऊपर नेटवर्क नहीं चलता है। ये देखो हम यहाँ पे रखे हैं फोन को। बहुत खूब खेल रहा है इंडिया, बहुत खूब खेल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। जाओ घास लेके आओ, हम तब तक मैच देख लेते हैं। शुभमन गिल का अर्धशतक पूरा, दो बोले दो छक्के, व्हाट अ शॉट। रोहित भैया का भी 50 हो गया गाइस। रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं गाइस, ये देख सकते हो आप। अब आएगा अपना फेवरेट खिलाड़ी दो विराट कोहली। पता नहीं डू यू लाइक और नॉट, बट इस बंदे का क्रेज भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। करते हो आखिर इस बात से? भाई मेरे लिए चाय पहले देखे मतलब ज्यादा बनानी ना, ज्यादा बनानी मेरी चीनी पत्ती खत्म, चीनी पत्ती खत्म थोड़ी सी चाह ली आई मिंजो। एक और विकेट गई गाइस, शुभमन गिल भी आउट हो गया गाइस। ये देखो स्लोर बॉल कैच दे दिया आसान सा। बारिश आ गई है गाइस,
खेल में थोड़ी सी रुकावट आ गई है, तो अब जितनी देर में ये रुकावट है हम घास ले आते हैं। तो घास लेने के साथ साथ गाइस हम सिल्ले भी लेकर जा रहे हैं। सिल्ले जानते हो, भुट्टे, इनको जो है रात को हम बैठे डालते हुए, जब बैठे डालेंगे ना तब हम इनको भून के खाएंगे मस्त एकदम। फाइनली दोस्तों दो दो चक्कर लगा के हम फिलहाल तो फ्री हो गए। देखो दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो रद्द हो चुका है, लेकिन अब चाय पीने के बाद हमारा मैच शुरू होगा। दिखाता हूँ आपको कौन सा मैच है। दोस्तों खेल में आगे बढ़ने से पहले आपको अस्त्रों के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये सांगू, इससे हम ये सारा घास एक जगह इकट्ठा करते हैं। ये देखो ऐसे और ये ऐसे। यह पहली टीम का मैदान है, दूसरी टीम का मैदान। यहाँ पे टीमें बनने वाली है दो। पहली टीम में मम्मी और ये हमारा छोटा भाई जो कि थोड़ा सा कैमरा शाही है, और दूसरी टीम में मैं और पापा जी। एक एक टीम का, दूसरा दूसरी टीम का। गाइस मैच शुरू हो गया है। ये घास को ऐसे खिलारा जा रहा है, इसको पहले एंटी क्लॉक वाइज घुमाया जाएगा। करते 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 अगर ये बेट लंबी हो जाएगी तो फिर इसको आधे तक ऐसे करते हैं, और फिर आधा ऐसे ले जाकर इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, और फिर ऐसे बैठते 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 ये तैयार होगी हमारी बेट। लेकिन बीच रास्ते में हमारा अस्त्र टूट चुका है। अब आ गया हमारी बारी, तो पहले हम इसको बैठ लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। बहुत काफ़ी मीठे मीठे छिल्ले हैं जिनको आप भुट्टे बोलते हैं। ये है इस खेल का पाँचवा खिलाड़ी जिसका काम है मस्त इस लेंटर पे झाड़ू लगाना और इसको साफ करना। फिलहाल अभी तक कुल हमने 15 बेट दी हैं। अभी हमारी चली है लगभग 31वीं या 32वीं बेट। गाइस हमारी आज की आखिरी बेट। अभी मैच खत्म हो गया है, गिन के स्कोर बताता हूँ आपको कितना हुआ है। 44 रन हमने बनाए हैं, और एवरेज हमारा रहता है ना डेली 30 बैठी का, लेकिन अभी छुट्टियां थी तो घास थोड़ा ज़्यादा काट लिया इसलिए आज 44 बैठी हो गई है हमारी। ग्राउंड मैन अपना काम दिखा रहे हैं मस्त सफाई करने का। फील्ड के छठे खिलाड़ी जो कि खाना बनाने का काम कर रहे थे बैक एंड पे। तो यहीं तक था आज का ये फुल व्लॉग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आप में से बहुत सारे हिमाचली और उत्तराखंड के लोगों ने इसको अपनी लाइफ से रिलेट भी किया होगा। तो आप दिन की और ओवरऑल कितनी बैठी डालते हो वो कमेंट में जरूर बता देना, और इस वीडियो पे एक लाइक ड्रॉप जरूर कर देना। अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए फुल व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।